दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शांभवी यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूं पुराणों से प्रेरित एक सुंदर सी कहानी। ये कहानी आपके मन को एक असीम शांति प्रदान करेगी और आपको शांतिपूर्ण नींद का एहसास दिलाएगी। श्री राम का चरित्र लोगों को हजारों सालों से प्रभावित कर रहा है। श्री राम की महिमा और उनकी गाथा आज हर घर में गाई जाती है, परंतु जब भी भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, उनके साथ उनके परम भक्त और परम सेवक श्री हनुमान का नाम भी लिया जाता है। कहते हैं हनुमान जी की शक्ति और उनका राम भक्त होना लंका पर विजय पाने का बहुत ही बड़ा हिस्सा था। जैसे हर इंसान का इस पृथ्वी पर एक कार्यकाल होता है, एक अवधि होती है, उसी प्रकार अवतारों का भी एक निश्चित कार्यकाल होता है। अपनी पृथ्वी पर सभी लीलाओं को पूरा करने के बाद भगवान राम का अयोध्या से वैकुंठ जाने का समय आ गया था, परंतु भगवान हनुमान के डर के कारण यमराज अयोध्या नगरी में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। आइए जानते हैं आज की रोमांचक कहानी में कि आखिर कैसे यमराज ने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया और किस प्रकार भगवान राम हनुमान जी को चकमा देकर वैकुंठ की तरफ चल दिए। इस कहानी में हम आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है।
और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। यह उस समय की बात है जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम पुष्पक विमान में अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और कुछ सेवकों के साथ अयोध्या लौट आए थे। सब कुछ अति मनोरम और अति सुंदर हो गया था। सारा संसार भगवान के पुनः आगमन की जय जयकार कर रहा था, उनका स्वागत कर रहा था। भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राजपाट धर्म अनुसार चलाने का संकल्प लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, संसार में भगवान राम की ख्याति और प्रसिद्धि उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उनके धर्म का शासन चारों तरफ फैल गया था। हर राज्य उनकी अधीनता स्वीकार करने लगा था और ऐसे राज्य के राजा को पाकर खुद को धन्य महसूस करता था। सभी जानते थे कि राम किसी के शत्रु नहीं है और जो भी राज्य उनसे जुड़ेगा वह अत्यंत सौभाग्यशाली होगा और उस राज्य को श्री राम का संरक्षण प्राप्त होगा। इसीलिए कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाता था, ना ही इस बारे में सोच सकता था। वह सभी को एक ही दृष्टि से देखते थे और एक ही दृष्टि से दंड भी देते थे। भगवान श्री राम के शासन काल में अयोध्या की सीमाएं सागर को छूने लगी थी। चारों ओर समग्र पृथ्वी पर श्री राम का ही राज्य था। प्रकृति भी उनकी अनुयायी बन गई थी। चारों तरफ इतना आनंद और हर्षोल्लास का माहौल रहता था कि जैसे स्वर्ग को भी मात दे दे। धरती पर ऐसा स्वर्ग देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह जाते थे और भगवान श्री राम के शासन काल की प्रशंसा करते थे। देवता भी उस समय भगवान राम के उस राज्य में जन्म लेने के लिए तरसते थे। बादल भी उतनी ही वर्षा करते थे जितनी खेतों के लिए पर्याप्त होती थी। खेत भी उतना ही अनाज उगाते थे जितना इस पृथ्वी पर हर इंसान के लिए पर्याप्त होता था। सब कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से सुव्यवस्थित हो गया था। भगवान श्री राम और उनके कृषि समुदाय ने अपने ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान से पूरी पृथ्वी को स्वर्ग से भी बढ़कर बना दिया था। परंतु कहते हैं कि इस मृत्यु लोक में आने के बाद हर इंसान को अपने लोक जाना पड़ता है जहां से वह आया है। भगवान श्री राम को भी अपने बैकुंठ लोक जाना था, परंतु अयोध्या की सीमा की सुरक्षा कर रहे हनुमान जी ऐसा होने नहीं दे रहे थे। यमराज को आदेश हुआ कि भगवान श्री राम का कार्यकाल धरती पर समाप्त हो चुका है, अब धरती पर चारों ओर शांति है। लोग वेद पाठी हो गए हैं,
आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं, दिन दुखियों की सहायता करते हैं और सभी को समान अधिकार प्राप्त है। अब भगवान श्री राम को अपनी लीलाओं का समापन करके अपने लोक वापस लौट आना चाहिए। यमराज विधाता की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम के प्राण हरने के लिए अयोध्या नगरी में प्रवेश करने लगे। वहां पहले से तैनात हनुमान जी अपनी मस्ती में मस्त राम नाम का गान कर रहे थे। वह राम नाम में इतने गुम थे कि उन्हें कुछ सूझ बूझ ही नहीं रही, और अपने भैंस पर सवार यमराज अयोध्या नगरी में प्रवेश करने लगे। तभी हनुमान जी को होश आया और उन्होंने देखा कि यह कौन भैंस पर सवार होकर अयोध्या के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने जोर से छलांग लगाई और तुरंत यमराज के आगे खड़े हो गए। उन्होंने उनसे उनका परिचय पूछा, तुम कौन हो और इस प्रकार चोरी छुपे अयोध्या नगरी में घुसे चले आ रहे हो? क्या तुम यह नहीं देखते कि मैं यहां का रक्षक हूं और यहां की रक्षा कर रहा हूं? मेरी आज्ञा के बिना तुम अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकते। तभी यमराज ने बताया कि हे हनुमान, मैं यमराज हूं, मुझे काल भी कहा जाता है, और मैं प्रभु श्री राम के प्राण लेने अयोध्या में आया हूं। अब उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब वह धरती पर नहीं रह सकते, उन्हें अपने लोक के लिए प्रस्थान करना होगा, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूं। तुम विधि के विधान में बाधा मत बनो और कृपया करके मेरा मार्ग छोड़ दो, मुझे अयोध्या में प्रवेश करने दो। यमराज ने हनुमान जी से ऐसा कहकर पुनः अयोध्या में घुसने का प्रयत्न शुरू कर दिया। हनुमान जी ने कहा, अरे अरे रुको, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरे होते अयोध्या में प्रवेश कर जाओगे और मेरे प्रभु श्री राम के प्राण लेकर चले जाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक हनुमान जीवित है तब तक श्री राम के प्राण कोई नहीं हर सकता, वह चाहे यमराज हो या स्वयं विधाता। जब तक मैं जीवित हूं ऐसा नहीं होने दे सकता। मेरे प्रभु राम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये सब हनुमान से सुनने के बाद यमराज तब भी अपनी हट पर कायम रहे और अयोध्या में घुसने का प्रयत्न करने लगे। तभी हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और यमराज को दंडित करने का प्रयोजन बनाया। हनुमान जी और यमराज में भीषण युद्ध हुआ। उनका युद्ध देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। दोनों के बल की कोई सीमा ना थी। दोनों एक से बढ़कर एक महारथ युद्ध में दिखा रहे थे। बहुत समय तक युद्ध चला, परंतु कोई निर्णय नहीं हो रहा था। तब जाकर एक ऐसा क्षण आया जब यमराज को अपनी हार सामने दिखाई दे रही थी। वह हनुमान जी का बल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण से वानर में इतना बल भी हो सकता है। वह किसी भी तरह हनुमान जी पर काबू नहीं पा सके, और जब उन्हें इस बात पर विश्वास हो गया कि वह हनुमान जी से नहीं जीत सकते, तब उन्होंने अपने वाहन पर बैठकर वापस यमलोक की तरफ दौड़ लगा दी।
रास्ते में वह यही सोच रहे थे कि उनका प्रयोजन सफल नहीं हो पाया। विधाता और विधि के विधान को हनुमान जी ने बदलने की जो कोशिश की है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसके पश्चात वे सीधे ब्रह्मलोक चले गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, आपने जो काम सृष्टि के निर्माण के बाद हम सभी लोगों को सौंपा था, वह पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी तो श्री राम के प्राण लेने ही नहीं दे रहे हैं। वह किसी को अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो विधाता का लेख कैसे पूरा होगा? विधि के विधान में ऐसा व्यवधान पहले कभी नहीं आया। कृपया करके आप ही कोई मार्ग बताइए और इस समस्या से हम सबको छुटकारा दिलाइए। तब ब्रह्मदेव को भी बहुत चिंता होने लगी। ब्रह्मदेव ने यमराज को आश्वासन देकर वापस भेज दिया और कोई युक्ति या मार्ग निकालने के लिए जतन करने लगे। एक दिन भगवान राम अपने कक्ष में बैठे विश्राम कर रहे थे और अपने राजकाज को खत्म करके अपने कक्ष में निश्चिंत होकर बैठे थे। तभी अचानक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कक्ष में चारों तरफ प्रकाश फैल गया। वातावरण बहुत सुगंधित और मनमोहक हो गया। जब किसी देवता का आगमन मृत्यु लोक में होता है तो ऐसे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। भगवान राम ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और उनके आगमन का कारण पूछा। ब्रह्मदेव ने बताया कि हे प्रभु श्री राम, आपने अपने लिए जितनी अवधि पृथ्वी लोक पर निश्चित की थी वह पूरी हो चुकी है। अब समय आ गया है कि आप पृथ्वी लोक का त्याग करके अपने धाम बैकुंठ को लौट चले। भगवान श्री राम ने सारी बात समझकर ब्रह्मदेव से कहा कि आपने उचित ही कहा है, अब मैं निश्चिंत होकर अपने सारे काम खत्म करके बैकुंठ को लौट सकता हूँ। मैंने सारा राज्य अपने और अपने भाइयों के पुत्रों में विभाजित कर दिया है। सभी लोग धर्म से शासन करेंगे और इस धर्म ध्वजा को पृथ्वी पर कायम रखेंगे। अब मेरा जाने का समय आ गया है। ये सब बात कहते हुए ब्रह्मदेव इस समय कुछ चिंतित दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो ब्रह्मदेव ने कहा, हे प्रभु श्री राम, आपके हनुमान के हेतु यह कार्य संभव नहीं है। वह तो किसी को भी अयोध्या में प्रवेश ही नहीं करने देते। ऐसा सुनकर श्री राम आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ब्रह्मदेव को आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, मैं कोई उपाय सोचता हूं। हनुमान मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वह मेरे जाने के विचार से ही बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए होंगे। वह कदापि मुझसे दूर नहीं रह सकते, लेकिन मैं ये बात उन्हें समझाने की जरूर प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मदेव को आश्वासन दिया और ब्रह्मदेव वायु में विलीन हो गए। एक दिन श्री राम ने हनुमान जी को बुलावा भेजा। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी का बुलावा सुनकर बहुत खुश हुए और दौड़े दौड़े श्री राम के पास चले गए। तब उनसे बातें करते समय श्री राम ने इशारे से जानबूझकर अपनी अंगूठी धरती में गिरा दी
और वह अंगूठी एक छोटे से छेद में जा गिरी। तब श्री राम की चिंता को देखकर हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप चिंता क्यों करते हैं, मैं आपकी यह मुद्रिका अभी लेकर आता हूं। श्री राम ने कहा, ठीक है हनुमान, तुम जाकर यह अंगूठी लेकर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सुंदर रूप बनाया और उस छोटे से छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद कोई साधारण छेद नहीं था, वह नाग लोक तक जाने वाली एक प्राचीन सुरंग थी जिसके कई रास्ते थे। हनुमान जी उस बहुत लंबे रास्ते से होते हुए धरती के नीचे नाग लोक में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे जिन पर उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था। वहां की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग थी, सब कुछ हनुमान जी को विस्मृत कर रहा था। तब जाकर उनकी भेंट नागराज वासुकी से हुई। उन्होंने राजा को प्रणाम कर श्री राम की अंगूठी के विषय में बताया, मेरा नाम हनुमान है और मैं पृथ्वी के राजा भगवान राम की अंगूठी लेने यहां आया हूं। उनकी अंगूठी एक छेद में गिर गई थी और वहां से होते हुए यहां पहुंच गई। कृपया करके आप मुझे उस अंगूठी का पता बताएं। नागराज वासुकी सारी बात समझ गए और उन्होंने हनुमान जी को अपने साथ चलने के लिए कहा। हनुमान जी और वासुकी एक अत्यंत विस्मित कर देने वाले मार्ग से होते हुए एक स्थान की तरफ जा रहे थे जहां बहुत ही चमकीला पहाड़ दिखाई दे रहा था। उस अत्यंत विशाल पहाड़ को देखकर हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। पहाड़ के पास पहुंचकर नागराज वासुकी ने हनुमान जी से कहा कि जाओ अब जाकर राम जी की वह अंगूठी ले लो। हनुमान जी खुश होकर उस पहाड़ की तरफ जाने लगे। जब हनुमान जी उस पहाड़ के नजदीक पहुंचे और अंगूठी खोजने का प्रयास करने लगे तो उन्होंने देखा वह पहाड़ कोई आम पहाड़ नहीं बल्कि अंगूठियों का एक बहुत बड़ा ढेर था और सभी की सभी अंगूठियां श्री राम की अंगूठी जैसी ही प्रतीत हो रही थी। एक जैसी करोड़ों अंगूठियों को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उनके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। वह अत्यंत विस्मित होकर नागराज की तरफ देख रहे थे, जैसे उनका मुख्य मंडल नागराज से प्रश्न कर रहा हो कि यह कैसा चमत्कार है, एक जैसी इतनी सारी अंगूठियां एक ही स्थान पर क्या कर रही हैं? तब जाकर नागराज ने उन्हें यह रहस्य बताया कि हे हनुमान, यही इस पृथ्वी का रहस्य है। तुम नाग लोक में आए हो और यह लोक धरती के पहले चक्र में नहीं आता है। यह सभी अंगूठियां भगवान राम की ही हैं, परंतु अलग अलग कल्प के अलग अलग राम हुए हैं और अब तक ना जाने कितने राम हुए हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। हर कल्प में राम जी का अवतार होता है और हर कल्प में उनकी अंगूठी यहाँ आकर गिरती है जो पहाड़ का एक ऐसा ढेर लगा चुकी है। पृथ्वी लोक पर जब प्रलय आता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, परंतु यहाँ
कुछ भी नष्ट नहीं होता। इसीलिए यहां इतना बड़ा अंगूठियों का ढेर लग गया है। तब जाकर हनुमान जी सारा रहस्य समझ गए और वह यह भी समझ गए कि जानबूझकर श्री राम ने वह अंगूठी क्षेत्र में गिराई थी ताकि वो मुझे समझा सके कि इस संसार में जो भी एक बार आता है उसे जाना ही पड़ता है। सब कुछ नश्वर है। हमें किसी भी विधाता के विधान में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। श्री राम की ऐसी लीला देखकर भगवान हनुमान बारंबार राम जी को मन ही मन प्रणाम कर रहे थे और उनके धर्म की प्रशंसा कर रहे थे। हनुमान जी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर यमराज जी ने अयोध्या में प्रवेश किया और श्री राम ने पृथ्वी लोक छोड़कर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। किसी ने सच ही कहा है कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। हर मनुष्य, हर देवता प्रकृति के अधीन है। प्रकृति से कोई पार नहीं पा सकता। जो भी इस धरती लोक पर आया है उसे एक ना एक दिन जरूर वापस जाना पड़ता है। भगवान ने भी मनुष्य रूप धारण करके इस धरती लोक को बचाने के लिए यह लीला रची और आखिरकार उन्हें भी एक दिन धरती लोक छोड़कर जाना पड़ा। इससे यह बात पता चलती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है। जो भी बनता है एक दिन जरूर बिगड़ता है। जो भी आता है वह एक दिन जरूर जाता है। हम कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए अच्छे कर्म करके हमें अपने भविष्य को संभालना चाहिए और प्रभु की लीलाओं का हर रोज गुणगान करना चाहिए, उनका पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी राम मुद्रिका। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अभी आपने ये कहानी सुनी तो आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि। आजकल इतनी टेंशन रहती है कि नींद ही नहीं आती है ना। अगर आप भी ऐसे ही किसी को जानते हैं जिसे नींद आने में ज्यादा समय लगता है या तकलीफ होती है तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें।